यार स्मोखन तेरा क्या होगा, तू बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करता है, तू बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। मास्टर जी, अगर मैं सीरियस हो गया ना तो घर वाले मुझे हॉस्पिटल में भर्ती करवा देंगे, तब ठीक रहेगा, यही चाहते हैं आप? अरे ढक्कन, मैं तुझे पढ़ाने के लिए कितना परेशान हूँ, क्योंकि क्लास में सबसे कम नंबर तेरे ही आते हैं। मुझे डर है कि कहीं तू फेल ना हो जाए, परेशान करके रख दिया है तुम्हें। मास्टर जी, हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप कुछ भी बोलिए हम सुना देते हैं। आता जाता तो तेरे को कुछ है नहीं, बस बना बना के सुनाई जाता है। मास्टर जी, अगले महीने से ना मैं अपने पापा को बोलकर आपका फीस में 10 रुपए बढ़वा दूंगा, फिर आपकी मौजा ही मौजा रहेंगी। सर सर, वो पीछे गग्गुआ सो रहा है सर। चल तू जाके बैठ। रात भर तुम लोग पबजी खेलते हो और सवेरे स्कूल में आके सोते हो। तुम लोग पढ़ोगे कमाए? उठ उठ उठ, अपने सीट पे बैठ। और ये बैग कहाँ टांगा हुआ? अरे सर, ये बैग कुचंकी से लेके आया हूँ, बहुत मुश्किल से। सर, ये सच बोल रहा है, सब लोग कुचंकी में कूद पड़ते हैं, लोग वहाँ से अपनी अस्थियाँ नहीं ला पाते हैं, ये तो बैग ले आया है, बहुत बड़ी बात है। मास्टर जी, हमको तो लगता है ना ये सेकंड लेवल का बैग है, और हमको तो लगता है रात में चिकन डिनर करके आया है। क्या पबजी पबजी सब कर रहे हो? क्लास में कोई पबजी का बात नहीं करेगा, और पेपर आने वाले हैं, सब पढ़ाई पर ध्यान दो। अच्छा, मैंने कल मुहावरे लिखाए थे, याद करके आए हो सारे? मैं सबसे सुनता हूँ एक एक करके, और जो नहीं सुना पाएगा ना उसके दोनों घुटने तोड़ के अपाहिज बना दूंगा, और फिर घर में बैठ के पबजी पबजी खेलते रहना। चल खड़ा हो जा स्मोखन। मास्टर जी, हम पहले से खड़े हैं, हमको पता था कि हमें ये पहले सबसे पहले खड़ा किया जाएगा। हाँ हाँ, चल इस मुहावरे का मतलब बता। मौका हो? नहीं 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 जी, पूछो जी। लोहा लेना। लोहा लेना मतलब कि ठेला गाड़ी या फिर साइकिल पर केला और आम बेचना गांव गांव में जाकर। लोहे के बराबर केला ले लो, लोहे के बराबर आम ले लो, इसी को बोलेंगे लोहा लेना। तूने तो अपने घर का सारा लोहा बेच ही दिया होगा। चल अब तू बैठ जा। चल पप्पू तू खड़ा हो जा, और इसका मतलब बता। भैंस के आगे बीन बजाना। मास्टर जी, जैसे कि घर में सांप चला गया, फिर एक सपेरे को बुलाया गया, और सपेरा दरवाजे पे खड़ा होके 4-5 घंटा बीन बजाता रहा, फिर भी सांप बाहर नहीं आया। बाहर एक बहुत बड़े कान वाली भैंस बैठी हुई थी। सपेरे ने चेक करने के लिए कि मेरा बीन कहीं खराब तो नहीं हो गया है, इसीलिए भैंस के आगे उसने जोर जोर से बीन बजाया। इसी तरह इसका मतलब हो गया भैंस के आगे बीन बजाना। चल एक और बता, नहीं तो वही बीन उठा के मारूंगा, तेरा सर फट जाएगा। पूछो। जैसा देश वैसा वेश। जैसा देश वैसा भैंस, सही तो है। मतलब अगर हम गुजरात साइड जाते हैं तो गुजरात में जबड़ा बड़ी, पंजाब साइड जाते हैं तो पंजाब में मझ बुर्रा बोलते हैं, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के भैंसे होती हैं, यही बोलते हैं जैसा देश वैसा भैंस। अबे गधे, भैंस नहीं वेश, तेरी हर बात गाय भैंस पे आके क्यों अटक जाती है? उसी भैंस पे बैठा देंगे और पूछ में आग लगा देंगे। चल तू बैठ जा, और तू खड़ा हो। जी सर बोलिए। फूला ना समाना। फूला ना समाना, फूला ना समाना मतलब दग जाना। जैसे कि अपने पास एक गुब्बारा है और उसमें हम हवा भरी जा रहे हैं और भरते ही जा रहे हैं, अब उसमें हवा नहीं जा सकता, फिर वो फट जाएगा। फूला ना समाना मतलब फट जाना। अब तू चुप करके बैठ जा, नहीं तो अभी तू ही फट जाएगा। चल मोनू तू खड़ा हो जा। जी बोलिए सर। बता, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मास्टर जी, हमको तो लग रहा है ना कि कोतवाल ने ना जी चोर को पकड़ लिया होगा, और पकड़ने के बाद में उसको बोरे में भर लिया होगा, और बोरे में भरने के बाद उसको पीठ पर उल्टा टांग लिया होगा। अब जो चोर है ना, वो कोतवाल को डांट रहा है और बोल रहा है भाई सीधा तो कर ले। हाँ जी, मुझे भी यही लग रहा है। पागल कहीं के, तू बैठ जा रहे समखन, और तू बता रहे आग में घी डालना। आग में घी डालना, इसका सीधा सीधा मतलब है हवन करना। ओम स्वाहा स्वाहा, ओम क्लीम क्लीम स्वाहा। मास्टर को उठा लो। स्वाहा। बैठ जा रहे समखन, तू भी बैठ जा रहे।
चल तू खड़ा हो और बता, दूध का दूध पानी का पानी। दूध का दूध पानी का पानी, ये तो बहुत आसान है जी। मतलब भैंस को दोनों टाइम खूब पानी पिलाओ और खूब दूध निकालो, ये हो गया दूध का दूध और पानी का पानी। शाबाश, बैठ जाने तभी पानी तुमको छिटकारने को नहीं मिलेगा, इतना मार मार देंगे तुमको, ठीक है। अब चल तू खड़ा हो और बता, अलग पुरुष की माया कहीं धूप कहीं छाया। अलग पुरुष की माया कहीं धूप कहीं छाया, इसका मतलब है सावन का महीना चल रहा है, कहीं बहुत धूप हो रही है तो कहीं बहुत छाव है, कहीं बहुत ज्यादा पानी पड़ रहा है और कहीं सूखा पड़ा है, कहीं पर पानी का बहुत थोड़ा छींटा पड़ा है, कहीं तो बहुत खतरनाक बारिश हो रही है। तो वही मतलब है ना कि अलग पुरुष की माया कहीं धूप कहीं छाया। अरे यार सब चुप कर जाओ, किसी को भी कुछ नहीं आता है। हमको आता है जी। कच्चे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, चल बता। कच्चे को जी, ओ माई गॉड। ओ माई गॉड, जब आप पेन लेने के लिए नीचे झुकते हैं ना तो आपका कच्चा दिखता है, तभी तो कहते हैं ड्राइंग वाली मैडम, ओ माई गॉड। हा हा, एकदम झूठ, मैं तो कच्चा पहनता ही नहीं हूँ। तभी तो मैडम कहती थी ओ माई गॉड। कच्चा पहन के आते हैं तब पढ़ाते हैं।